आज बिना मोबाइल सब सुना सुना है। वाईफाई, टीवी, रेडियो और म्यूजिक सिस्टम के बिना तो जिंदगी की कल्पना ही सिहरन पैदा कर देती है। लेकिन दोस्तों, हम इस धरती पर आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जहां आप ना वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं और ना मोबाइल, ना रेडियो सुन सकते हैं और ना ही टेलीविजन देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई कट्टरपंथी मुस्लिम देश हो सकता है या फिर कोई सुदूर जंगलों के बीच आदिवासी इलाका, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम बात कर रहे हैं सुपर पावर अमेरिका की, जहाँ के एक राज्य वेस्ट वर्जीनिया में एक काउंटी है जिसका नाम है पोकाहॉन्टस। वहाँ ऐसा होता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी पाबंदियों के बीच भी भला इंसान ऐसे विकसित देश में कैसे जी पाता होगा, लेकिन ये सच है। और बड़ी बात यह है कि इस शहर में इन चीजों पर न केवल पाबंदी है, बल्कि अगर कोई इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो गिरफ्तार करके जेल में ठूंस भी दिया जाएगा। अमेरिका ने इस खास शहर के लिए ये कानून एक खास मकसद से बनाया है, क्योंकि पोकाहॉन्टस काउंटी में ऑलिगेनी पर्वत श्रृंखला में एक शहर है जिसका नाम ग्रीन बैंक है। वहां की आबादी करीब 150 है। ग्रीन बैंक में दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप ग्रीन बैंक टेलीस्कोप GBT है। ये टेलीस्कोप स्टोरेबल है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। क्यों है बनाया ऐसा कड़ा कानून? ग्रीन बैंक पे अमेरिका की राष्ट्रीय खगोल विज्ञान वेधशाला है। 1958 में इसकी स्थापना की गई। रेडियो खगोल विज्ञान के मैदान में ये वेधशाला काफी अहम है। पहले आपको बता दें कि रेडियो खगोल विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें रेडियो तरंग छोड़ने वाले आकाशीय पिंड की स्टडी की जाती है। इस वेधशाला में कई सक्रिय टेलीस्कोप हैं। यही स्थित टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स, रेडिएशन बेल्ट और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। यही दुनिया की सबसे बड़ी और परिवहन योग्य टेलीस्कोप है, जिसे ग्रीन बैंक टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 485 फीट और वजन करीब 1.7 करोड़ पाउंड है। ये टेलीस्कोप इतनी बड़ी है कि इसके डिश के अंदर पूरा एक फुटबॉल स्टेडियम समा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेकर ये टेलीस्कोप काफी संवेदनशील है। कहा जाता है कि ये टेलीस्कोप 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर के सिग्नल को पकड़ सकती है। यही वजह है कि यहाँ उन चीजों पर रोक लगा दी गई है जो सिग्नल छोड़ती हैं, ताकि टेलीस्कोप के कामकाज में किसी तरह के बाधा ना आए। रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल टावर स्थापित करने पर लगी रोक की वजह से यहाँ कोई इंसान मोबाइल फोन, आईपैड, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस टेलीफोन, वायरलेस हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रोवेव ओवन, रिमोट कंट्रोल टॉयज वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एलियन पर हो रहा है रिसर्च। ग्रीन बैंक ही वो जगह है जहां एलियन पर भी रिसर्च शुरू हुआ। 1960 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के खगोल विज्ञान फ्रैंक ड्रेक ने इस पर काम करना शुरू किया। इस प्रयोग को सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कि SETI का नाम दिया गया। फ्रैंक ड्रेक ने प्रोजेक्ट ऑजमा पर काम शुरू किया। यह अमेरिकी सरकार की आर्थिक सहायता से चलने वाला पहला प्रोजेक्ट था। रेडियो तरंगों के माध्यम से दूसरे ग्रहों पर जीवन का पता लगाना इसका मुख्य मकसद था। हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया हो सकती है जहाँ जीवन है, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध समीकरण भी दिया था। क्यों हुआ ग्रीन बैंक का वेधशाला के लिए चयन? दूसरे विश्व युद्ध में रेडियो और रडार टेक्नोलॉजी का काम एडवांस लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन उस समय तक अमेरिका उस फील्ड में काफी पीछे था। फिर दुनिया में अमेरिका का वैज्ञानिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए खगोल विज्ञान की स्टडी की जरूरत महसूस की गई और अमेरिका की पहली राष्ट्रीय खगोल विज्ञान वेधशाला स्थापित करने का फैसला किया गया। इसके लिए ऐसी जगह की तलाश शुरू हो गई जहां काफी जमीन उपलब्ध हो, ताकि भविष्य में वेधशाला के विस्तार में दिक्कत ना आए। साथ ही वहां मानव निर्मित रेडियो तरंगों का दखल भी नहीं होना चाहिए। 1956 में घोषणा की गई कि नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी की स्थापना वेस्ट वर्जीनिया की एलिंगनी पर्वत श्रृंखला में की जाएगी। तब से इस शहर को ग्रीन बैंक के नाम से जाना गया। यहाँ वेधशाला की स्थापना से पहले भी आबादी बहुत कम थी। पहले यहाँ लकड़ियों का काम हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में लकड़ी उद्योग ठप पड़ गया। उस वजह से लोग इलाका छोड़कर जाने लगे। 1958 तक ग्रीन बैंक के 50 मील के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं था जिसकी आबादी 4000 से ज्यादा हो और घाटी के करीब 12 वर्ग मील के अंदर सिर्फ 125 इमारतें थी। इस वजह से भी वेधशाला के लिए ये इलाका काफी उपयुक्त लगा।